इकबाल है, मैं चीफ स्पोकस पर्सन हूँ जम्मू एंड कश्मीर कॉलेज कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन का। हम यहाँ पे आज जमा हुए, हमारे यहाँ पे जमा होने का मकसद खाली ये है कि कोर्ट ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है, जो 2 मई 2022 को इशू हुआ, उस ऑर्डर में जो ऑर्डर आया है कि जो भी ऑर्डर्स हाई कोर्ट ने या कैट ने पास किए, जो भी स्टेटस को हाई कोर्ट या कैट ने दिए हैं, उन कैंडिडेट्स की सर्विसेज को कंटिन्यू किया जाए और उनकी सैलरीज को रिलीज़ किया जाए। मगर ये ऑर्डर आने के बाद डिपार्टमेंट ने एक बायस्ड अप्रोच अडॉप्ट किया। डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर जम्मू प्रोविंस में इम्प्लीमेंट किया, मगर कश्मीर में ये क्या कर रहे हैं, कश्मीर में इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, जिससे एक बायस्ड अप्रोच सामने आ रहा है और यहाँ पर कश्मीर के नौजवानों को, कश्मीर के स्कॉलर्स को टू द वॉल किया जा रहा है। आपकी वसादत से, मीडिया फ्रेटर्निटी की वसादत से मैं गुजारिश कर रहा हूँ एलजी साहब से, एडवाइज़र साहब से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन साहब से, कि इस चीज़ को पर्सनली इंटरवीन करें, इस चीज़ को देखें, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करें, हमें मजबूर ना करें सड़कों पे आने के लिए। हम आज, मैंने अभी भी कहा, ये एसोसिएशन जो है ये ऑल इंडिया फेडरेशन के साथ मुंसलिक है, एफिलिएट है, और हमने उनको, उन्होंने हमें ऑलरेडी कहा हुआ है अगर ये ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट नहीं हुए तो फिर हम ऑल इंडिया लेवल पे प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। जी, माय नेम इज़ डॉक्टर महनाज, एंड ये प्रोटेस्ट करने का मतलब इतना ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे हक में जो ऑर्डर्स दिए हैं अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है कश्मीर डिवीजन में, जबकि जम्मू डिवीजन में ये इम्प्लीमेंट हुआ है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है, जब जम्मू में इम्प्लीमेंट हुआ है तो कश्मीरी यूथ का कैरियर क्यों रुइन किया जा रहा है, हमें समझ नहीं। हम ये सिर्फ इतना ही चाह रहे हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो, ताकि हमारा भी कैरियर सेफ रहे, और हम कुछ नहीं चाहते। हम तो क्वालिफाइड यूथ हैं, हम नहीं चाहते थे इस तरह सड़कों पे आना, इस तरह प्रोटेस्ट करना, लेकिन जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो हमें मजबूर कर रहे हैं। आगे भी रेस्पेक्टेबल चेयर है, हम भी क्वालिफाइड यूथ हैं, हम नहीं चाहते थे कि इस तरह हम प्रोटेस्ट करें, इस तरह हम आ जाए सड़कों पर, लेकिन हमें हर तरह से हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, हमारी क्वालिफिकेशन को नजर